पेड़ के कटान की वजह से ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मारे गए थे कोरोना काल में, ये आप देख सकते हैं। उसे पे लिखा है कि ऑक्सीजन कमी से कितना कोरोना में गईला, फिर भी महत्व नहीं पौधा के जनला के, पौधा के जनला पेड़ और पौधा से ओ टुके शैलेंद्र कहला, शैलेंद्र कहला अपना जीने की बचै है, शैलेंद्र कहला, शैलेंद्र कहला। आज पूरा मऊ देखा तमसना दिया वेले, अरे शैलेंद्र के साथ साथ कदम के बढ़ावे ले, अरे कदम के बढ़ावे ले। सलमान गीतिया तू, सलमान गीतिया तू झूम के सुनई है, शैलेंद्र कहला, शैलेंद्र कहला अपना जिंदगी बचै है, शैलेंद्र कहला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लाइव चल रहा था, ऐसा नहीं कि 10 कदम चले नेताओं जैसे वो गाड़ी पे बैठ के हम भाग गए, कंटिन्यूअस लाइव चल रहा था। शैलेंद्र एनवायरमेंट न्यूज पे आप देख भी सकते हैं, और ईश्वर की कृपा रही कि इस तपती धूप में जब हम 10 कदम नहीं जा सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ से बनारस 80 घाट तक 120 किलोमीटर की यात्रा 4 दिन में तय किया, और जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ज्ञापन दिया गया और यहाँ पे तमसा रिवर फ्रंट पार बनेगा, जो आज तक मऊ के किसी नेताओं ने नहीं किया वो एक शिक्षक ने कर दिया, और हमारे शिक्षक साथियों के सहयोग से। और मैं आपसे कहता हूँ कि हर एक आम आदमी सब कुछ कर सकता है, आप अपनी शक्ति को पहचानिए, नेताओं के पीछे मत घूमिए। आपकी जो समस्या है उस समस्या को कहने के लिए ट्वीट कीजिए, फेसबुक पे लिखिए, सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, ईमेल कीजिए, किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। इस संविधान द्वारा जो अधिकार एक राष्ट्रपति को मिला है वही एक सामान्य व्यक्ति को मिला है, तो मैं आपसे यही कहूंगा अपनी वोट की शक्ति को पहचानिए, और जो भी कुछ समस्या हो रही है किसी से डरिए मत, किसी की जी हुजूरी मत कीजिए, और अपनी समस्या के समाधान के लिए स्वयं खड़े होइए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिक्षित होइए, अगर आपके पास शिक्षा नहीं रहेगी तो आप कमजोर हो जाएंगे, मानसिक रूप से आपको गुलाम बना दिया जाएगा। इसी के साथ मैं कहूंगा कि हम लोग की पर्यावरण यात्रा का जो प्रथम चरण पूरा हो गया, अब अगले महीने दूसरा चरण साइकिल से यात्रा होगी आदरणीय योगी जी के लिए, अगर विकास कार्य नहीं होगा तो फिर हम लोग चलेंगे साथियों, आप लोग फिर चलिएगा। धन्यवाद।